हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा भजन, बहुत ही पॉपुलर भजन सिखाने जा रहा हूँ और सुनाने जा रहा हूँ। आप इस भजन को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और आज इसे बजा के आप सबका दिल जीत सकते हैं, ठीक है। तो गाना है अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, ठीक है। तो पहले मैं आपको दो लाइन सुना देता हूँ, फिर आपको इसका कंप्लीट लेसन देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा सा गाना है और बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे 5 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिरिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे होल नंबर्स दिए हुए हैं जो आपको बजाने हैं। बी मतलब आपको ड्रॉ करना है यानी कि खींचना है, और बी मतलब आपको ब्लो करना है। यहाँ पे सरगम में नोटेशन दिया हुआ है, जो सरगम बजाना जानते हैं वो किसी भी माउथ ऑर्गन पे इस नोटेशन को देख के बजा सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, टावर है, पल्स है, सुजुकी 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है, वो ये होल नंबर देख के आराम से बजा सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे रेड डॉट है वहाँ पे आपको ये स्लाइडर को प्रेस करना है, बस एक जगह आपको स्लाइडर को प्रेस करना है पूरे गाने में, मुखरे में सिर्फ एक जगह प्रेस करना है। अगर आप स्लाइडर आपके पास नहीं भी है तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। और स्लाइडर अगर है तब तो बेस्ट है, आप गाने को परफेक्टली बजा सकते हैं। तो गाना देखिए शुरू होगा कहाँ से, 12 नंबर होल से, 12, 13, 14 आपको बजाना है। तो अच्युतम निकल जाएगा, 12 में आपको ड्रॉ करना है, 13 में ब्लो करना है, 14 में आपको ड्रॉ करना है, खींचना है। केशवम 14 में आपको ड्रॉ करना है, खींचना है, और फिर 14 में आपको ये स्लाइडर को प्रेस कर लेना है, और फिर 14 बजाना है, स्लाइडर को छोड़ देना है। इस तरह से देखिए शुरू करता हूँ। अच्युतम केशवम, फिर से देखिए, आप देखिए कहां पे मैं स्लाइडर को प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। केशवम, जब केशवम आप बजा रहे हैं उस टाइम में आपको यहां पे स्लाइडर आपको प्रेस कर लेना है 14 में। फिर से देखिए मैं स्लो में बजा रहा हूं, अच्युतम केशवम, फिर से सॉरी स्टार्ट करता हूं, और जिनके पास स्लाइडर नहीं है वह यहाँ पे 15 भी बजा के काम चला सकते हैं। 14 के बाद आप 15 बजा दीजिए, 15 और फिर 14 बजाइए। अगर स्लाइडर आपके पास नहीं है, स्लाइडर वाला माउथ अगर नहीं है, तो आप 14, 15, 14 बजाइए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए, अच्युतम केशवम, ये पहला लाइन हो गया, बहुत ही सिंपल है। कृष्ण दामोदरम, कृष्ण 11 में ब्लो करना है, 12 में आपको ड्रॉ करना है, और दामोदरम 13, 13, 14, 13, ठीक है। सरगम में बजाना चाहते हैं तो आप ग म प प ध प, ठीक है। कृष्ण पहला लाइन था अच्युतम केशवम, और ये सेकेंड लाइन कृष्ण दामोदरम, कृष्ण दामोदरम 11, 12, 13, 13, 14, 13। कृष्ण दामोदरम, थर्ड लाइन राम नारायणम, राम 12, 11, नारायणम 10, 10, 10, 13। राम नारायणम, मग रे 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 प 12,
ट्वेल्व इलेवन टेन टेन थर्टीन, ठीक है, ट्वेल्व इलेवन टेन 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 थर्टीन, राम नारायणम, फोर्थ लाइन, जानकी वल्लभम, जानकी थर्टीन थर्टीन फोर्टीन, थर्टीन में आपको दो बार बजाना है, ब्लो करना है, फोर्टीन में ड्रॉ करना है, और फिर थर्टीन इलेवन ट्वेल्व आपको बजाना है वल्लभम के लिए। सॉरी, जानकी वल्लभम, स्लो में देखिए, जानकी वल्लभम, तो ये हो गया मुखड़ा। और बाकी जो फ्रेंड्स पैराग्राफ हैं, अगर आपने ये चार लाइन सीख लिया मुखड़ा का, तो पैराग्राफ्स में जो अंतरा है बस यही लाइंस, यही नोटेशन रिपीट होता है, ठीक है। देखिए, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आपने पहला लाइन जो सीखा था बिल्कुल वही नोटेशन है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, बिल्कुल वही नोटेशन है। देखिए मैं बजाता हूं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, ठीक है। यहां पे एक रेड डॉट है, यानी कि कौन कहते हैं है, मैं आपको ये 14 में आपको ये प्रेस कर लेना है स्लाइडर, ठीक है। फिर से देखिए स्लो में, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, ठीक है, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। इस लाइन को और आप बहुत तरह से गा सकते हैं, कुछ कुछ वर्षन इस तरह से है, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, या फिर भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये भी लाइन अगर आप गौर से देखेंगे, तो आपने जो मुखड़ा का सेकेंड लाइन बजाया था, राम नारायणम जानकी वल्लभम, बिल्कुल वही नोटेशन है, वही आपको बजाना है, ठीक है। देखिए, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, भक्त 12 11 आपको बजाना है, 12 में ड्रॉ करना है, 11 में ब्लो करना है, मीरा 10 10 में दो बार आपको ड्रॉ करना है, के 10 में आपको ड्रॉ करना है, जैसे 13 में दो बार आपको ब्लो करना है, बुलाते 13 14 13 नहीं 11 12। देखिए, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बाकी फ्रेंड्स जो पैराग्राफ हैं, जैसे कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, बस बिल्कुल आपने पहला पैराग्राफ का जो बजाया है बिल्कुल सेम नोटेशन बजेगा, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, बस लिरिक्स चेंज है, बोल चेंज है, लेकिन नोटेशन सेम है। तो इसी तरह से आपको हर एक पैराग्राफ को बजाना है, सेम नोटेशन के साथ आपका गाना बज जाएगा, ठीक है। तो हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।